हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरने की अटकलों के बीच पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अगले महीने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि दोनों के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था कि गुरुवार तक इस परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाने की कोशिश में है। इसके अलावा हाल ही में पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद विनेश फोगाट ने पहलवानी से संन्यास ले लिया था और उस समय में कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस के पास अगर पूरे विधायक होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। दरअसल कांग्रेस पार्टी विनेश के जरिए जाट वोट को भी साधने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को 3 और पहलवान पूनिया को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से स्थिति साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद की जुलाना सीट से और बजरंग पूनिया झज्जर के बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है, जिसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार तक 90 में से 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। हालांकि अब तक नामों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की सूची 1 या 2 दिन में जारी होने वाली है। लिस्ट आने से पहले राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जाने लगी। उनको टिकट दिया जा सकता है। लिस्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी या नहीं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा और 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना था और 4 अक्टूबर को मतों की गिनती होने वाली थी, लेकिन बिश्नोई समाज के त्योहार आसो जमावस्या की वजह से बीजेपी ने चुनाव आयोग से तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया और मतदान की तारीख बदल दी।